Assalamu alaikum. My name is Param. I am Harman. I am Manjot. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video, and ये video बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है. Adil Voice channel से ये video है. Original video का link description में दिया हुआ है. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों निगल लिया था? उसका ये वाक्या है, तफसीर है पूरी. हमने भी ये वाक्या कहीं पे मेरे को याद है, मैंने ये वाक्या थोड़ा सा सुना था. And Jesus वो इंग्लिश में सुना था और मैंने पूरा अच्छे से नहीं सुना था क्योंकि वो एक जस्ट एक स्मॉल पार्ट था. एंड इसके बारे में अभी हमें अच्छे से और तफसील पता चल रही है. मजीद, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनको एक व्हेल मछली ने निगल लिया था. और उस मछली के पेट में आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी आयत पढ़ी जिसकी बरकत से वो मछली के पेट में भी सलामत रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में. उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था. नैनवा ये मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था. यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है. ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात न गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा. जब रात हुई तो लोगों ने रात को ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए, और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुई और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया. ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला ही है, तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए. अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया. चुनाचे शहर के तमाम लोग अल्लाह के खौफ से डर कर कांप उठे, और सबके सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए, और रो रो कर सच्चे दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे. शोहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे. जो जुल्म आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ कराने लगे, और उन लोगों ने जितनी भी एक दूसरे की हक तलफियां की थी सबकी आपस में माफी तलाफी करने लगे. मतलब सच्ची तोबा करके अल्लाह पाक से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ अल्लाह का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए. अल्लाह ताला को शहर वालों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया, और अल्लाह पाक ने अपना भेजा हुआ अजाब उठा लिया. अचानक धुआं गायब हुआ और अजाब की बदलियां रफा हो गई, और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे. दोस्तों, इस वाकये का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती के ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता. हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया. सूरह यूनुस आयत 98. नाज़रीन इकराम, मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना फायदा नहीं देता, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया. दोस्तों, अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई आसार नहीं देखा. लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब आया ही नहीं, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे. आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में भरकर
शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहां के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहि सलाम का नाम कुरे में निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समुन्द्र में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक बड़ी सी मछली आकर आप अलैहि सलाम को निगल गई। मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप वहां पर जाकर कैद हो गए, मगर इसी हालत में आप अलैहि सलाम ने आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और उस मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हो गए थे। अल्लाह की शान कि उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ ताकत आई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपसे मिले। उसके बाद वो सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगुज़िश्त को कुरान करीम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया है, और बेशक यूनुस पैगंबरों से है। जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला तो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा बल्कि ज्यादा, तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नाज़रीन इकराम, नैनवा वालों के इस वाक़े से हमको ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला असाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से निजात पाने का यही तरीका है तो लोगों को तोबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया और जारी पर नहायत रहीम और करीम अल्लाह पाक को तरस आ जाए और वो अपने भेजे हुए अजाब को दफा फरमा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पड़कर सब्र इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफान में भी अल्लाह पाक की याद से गाफिल नहीं होते तो करीम अल्लाह अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समुन्दर में फेंक दिया तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था? उसके बाद उन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला कौन सा सहारा रह गया था? मगर इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने जब आयते करीमा का वजीफा शुरू कर दिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर इन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और इनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज्यादा आदमियों को हिदायत मिल गई। इस खूबसूरत वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारा वीडियो ऑन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था का वाक्या, एंड ये वाक्या हमने अहमद दीदात साहब के लेक्चर में सुना था, मुझे याद है। आई थिंक ये बाइबल में भी मौजूद है ये वाक्या, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। बट जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इंसान, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी इंसान अगर कोई भी मुश्किल में होता है, कोई भी प्रॉब्लम में होता है, तो उसको सिर्फ अल्लाह ही बचा सकते हैं, उनके अलावा कोई और उनको बचा नहीं सकता है। तो हमें जब भी कोई मुश्किल में जाओ तो अल्लाह का सहारा लेना चाहिए, अल्लाह को बुलाना चाहिए, अल्लाह से बात करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तभी इंसान वो मुश्किल से बाहर होता है। एंड ये बहुत ही एक बेहतरीन वाक्या था, एंड इस वाक्या की तफसीर हमें पता चली, एंड ये भी पता चला कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 1 लाख बंदों को ईमान की दौलत से रोशन किया था। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।